क्लिप्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो कुछ ऐसा बहुत भयानक साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग मोमेंट था उस फेज में जहां आप रोए यहां जहां आप लिटरली टूट गए अंदर से <coughs> यार मैं जनरली इसके बारे में बात नहीं करता हूं लेकिन आपकी ऑडियंस का क्या एज है जनरली जी तो चलो आज बात करते हैं इसके बारे में एंड अ रीजन मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं पर्टिकुलरली हमारे देश में जो इससे गुजरते हैं लेकिन इसका सामना नहीं कर पाते क्योंकि हमारे देश में कहीं अभी भी इस पर एक स्टिग्मा अटैच मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ तो मेरे साथ ये शुरू हुआ था यूएस में करीब 25 साल पहले राइट मे बी लड लेस बट अराउंड दैट टाइम फ्रेम और यू uh, नो you know, मैं जॉब कर रहा था वहाँ पर तो डॉट कॉम क्राइसिस हुआ मेरी जॉब चली गई थी और दो तीन चीजें ऐसी हो रही थी काफ़ी कुछ ओवरवेलम हो गया था मैं तो फर्स्ट टाइम मुझे पैनिक अटैक हुआ अभी पैनिक अटैक ऐसी चीज़ है ना मतलब अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो भगवान चाहे आप कभी नहीं करो क्योंकि पैनिक अटैक से डरावनी चीज़ मैंने नहीं कभी देखी महसूस किया क्या होता है तो पैनिक अटैक में ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि जमीन खुल के आपको निगल जाएगी दीवार आपके एकदम पास आने लगते हैं आप को लगता है कि कहीं सांस लेने में तकलीफ हो रही है बाहर से आप एकदम स्लो एंड काम लग रहे हैं लेकिन अंदर ज्वालामुखी चल रहा है एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू मतलब आप वो टाइम कुछ भी करने को रेडी हो अगर कोई कहता है आपको कि मैं गोली मार दूँ खत्म कर लो जिंदगी यू विल बी रेडी टू डू दैट इट इज सो स्कैरी समटाइम्स है न तो पैनिक अटैक हुआ मुझे पहले टाइम तो फॉर्चुनेटली मेरा एक फ्रेंड था Uh, जो उससे गुजर चुका था तो और वो रेगुलरली होने लगा अटैक तो मैंने उनसे बात की तो देखिए मी कंसल्ट किया किससे फिर एक बुक पढ़ी मैंने अपने सिचुएशन को यूज़ किया और वो जाके रिजॉल्व हो गया वो बात को मैं भूल गया हुआ अटैक क्या हो गया मतलब नॉट समथिंग यू कीप इन माइंड ना मन पास्ट इट यूथ में तो स्पेशली आप बुरे वक्त वक्त के बारे में सोचना नहीं चाहते हो आगे बढ़ो फिर जब ये दूसरा इशू हुआ आफ्टर 2008 एट लीमन ब्रदर्स फिर मुझे पैनिक अटैक शुरू हुए राइट right. एंड क्योंकि एक हेल्पलेसनेस जब आप मतलब बहुत हो जाता है एंड यू स्टार्ट यू यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु सॉल्व्स प्रॉब्लम्स लेकिन आपको हमेशा सडनली एक हेल्पलेसनेस हो गई कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो तो यू फील इलेवेंट यू फील लाइक अ कम्प्लीट फेलियर यू फील यूजलेस यू फील कि यार तो दैट कैन ट्रांसलेट अगर आपकी एंग्जाइटी लेवल हाई है एज अ बेस लाइन तो बहुत जल्दी पैनिक अटैक हो सकता है तो वो होने लगे फिर से तो मैंने कहा भाई इसको समझना पड़ेगा सो आई कंसल्टेड अ प्रोफेशनल आई स्टार्टूइंग थेरेपीड नहीं आई स्टार्ट थेरेपी इन But वो भी है, की बात है, अब हो रही है हाँ तो मैं आ, मैं मैं अब तक करता हूँ रेगुलरली कभी छह महीने बीच में नहीं की वो अलग बात है बट आई थेरेपिस्ट तो समझ में आया काफी पढ़ने के बाद थेरेपिस्ट से बात करने के बाद कि हर आदमी का मेंटल कंडीशन अलग होता है आजकल एंग्जाइटी की बहुत बात हो रही है बट एंग्जाइटी इज़ गुड मतलब एंगजाइटी तब होती है जब आपको फेयर होता है कुछ सक्सेसफुल ना होने का या कोई चैलेंजिंग चीज़ आ रही है एग्जाम आ रहा है जैसे हमको एंगजाइटी होती थी बचपन में एग्जाम देने के पहले नर्वसनेस होता था ये सब बातें होती थी स्टमक में बटरफ्लाइज हो जाती थी नॉट हो जाता था कभी कभी ऐसा लगता है यार सांस ही नहीं ले सकते राइट देट इज़ एंगज्जाइटी राइट उसमें कुछ दैट इज स्ट्रेस दैट्स नॉर्मल होता है राइट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम विद मेंटल हेल्थ अगर आपका बेसलाइन एंगजाइटी औरों और लोगों से हमेशा ऊंचा रहता है दैट कैन मैनिफेस्ट इन कंडीशन्स लेकिन आपको ये बात कतई पता ही नहीं होगी बिकॉज यू थिंक एवरीबडी थिंग्स लाइक दैट तो माई ऑल माई लाइफ माई बेस लाइन एंगजाइटी ऑलवेज बिन हायर देन अदर पीपल लेकिन मुझे कैसे पता मुझे मुझे तो यही लगेगा कि बॉस सबका ही सब एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग अंटिल द पैनिक अटैक स्टार्टेड हैपनिंग तब आप उसको समझने की कोशिश की उसके अंदर घुसे आपने इवेल्यूएशंस किए देन यू अंडरस्टूड थ्रू थेरेपी एंड ऑल दैट तो कोई बात नहीं अच्छी बात है अभी आप उसको बुरा मान लो या अच्छा मान लो अच्छी बात यह है कि ज्यादा करके जो क्रिएटिव लोग होते हैं एंड पीपल हु आर ड्रिविन टू अचीव और डू समथिंग बिग उनके साथ यही कंडीशन होती है बेसलाइन हाई नॉट ऑलवेज बट जनरली एंड दैट कैन बी अ बून और अ ब्लेसिंग अगर आप उसको समझोगे नहीं उसमें उसका सामना नहीं करोगे देन इट विल बिकम अर्स राइट तो उसको आपको कर्स बनाना है या ब्लैसिंग बनाना ये आपके ऊपर है अगर उसको ब्लैसिंग बनाना है तो पहले उसका सामना करो राइट right. अंडरस्टैंड कि आपको कोई रियल प्रॉब्लम है कि खाली आप जो रेगुलर स्ट्रेस हो रहा है आप उसको मेंटल कंडीशन बना के घूम रहे हो दैट्स नॉट गुड बट सच में इशू है तो उसको एक्सेप्ट करो और थेरेपी के लिए जाओ थेरेपी के लिए जाओ फिर पहले तो बेस लेवल पे शुरू करो किताबें पढ़ो राइट यू डोंट हैव टू जंप स्ट्रेट इन टू थेरेपी डिपेंड्स सिचुएशन पे राइट अगर आपको पैनिक अटैक्स होने लगे तो यस यू मस्ट सी अ थेरेपिस्ट राइट अवे है ना अगर वो नहीं हुआ है खाली एंग्जाइटी लेवल हमेशा हाई रहती है रीड अ रीड अ फ्यू बुक्स स्टार्ट देयर बट एक्सेप्ट टॉक टू फ्रेंड्स राइट डिप्रेशन में यार दोस्तों से बात करो भाई डोंट इसमें कोई शर्म नहीं है अगर आपके हाथ में चोट लग जाती है पैर में आप क्रिकेट खेल रहे हो भाई बॉल लग गई फट करके आप डॉक्टर के पास जाते हो उसमें तो शर्म नहीं है बड़े बलवान होकर क्या हो गया अरे तो ये भी तो एक तरह की चोट है और इसको अगर आप सामना करोगे तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन सकती है आपके लिए बिकॉज पीपल विथ हाई एंग्जाइटी लेवल जनरली वेरी गुड लैटरल थिंकर्स वो क्रिएटिव बहुत होते हैं इसलिए ओवर थिंकिंग भी हो जाती है बिल्कुल तो इसी दो तो दोन तो आई जस्ट वॉन्ट टू गेट दिस आउट कि देखो बॉस एवरी एनी वेयर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो और आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफ़ी हो गए कैन चैट विथ पीपल तो अनोनमसली भी आप बात कर सकते हो तो अभी तो कोई एक्सक्यूज बचाए नहीं तो भाई अगर आप बाहर कोई भी मैंटल सिचुएशन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं जीवन में संघर्ष तो रहेगा वो कभी नहीं जाएगा डोंट कन्फ्यूज दैट लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बॉस मैं आगे ही नहीं बढ़ सकता इतनी तकलीफ हो गई है तो प्लीज़ सीक सम हेल्प और आजकल मेंटली मेंटल हेल्प के लिए ऑनलाइन फोरम्स इतने हैं आप अनोनमसली भी कर सकते हैं तो कोई शर्म की बात ही नहीं नाउ यू हैव नो एक्सक्यूज़ राइट क्योंकि हम कॉन्वर्सेशन में यहां तक पहुंच गए इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ वरना पॉडकास्ट में ऐसे सवाल नहीं पूछे अच्छा <laughs> so तो तुम कुछ भी पूछ लेते हो कुछ अभी भी वैसे ही मोमेंट आने वाली <laughs> 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 कभी गुड फॉर यू योर गेस्ट ऑल्सोजिटेट नहीं सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आए लेकिन काफी लोगों का खून करने का मन किया <laughs> है ना? तो वो तो आज भी करता है okay. लेकिन आजकल कर कम करता है मैं मैं मानता हूँ कि सुसाइड का कॉन्सेप्ट ना हर कोई जानता है पर हर कोई वो स्टेप नहीं उठाता है क्योंकि कोई ना कोई कंडीशनिंग बेस्ड मेंटल बाउंड्री रहती है फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा ये कहा था कि अगर कभी लाइफ में ऐसा लगे भी hmm. कि सुसाइड करना फिर मेरे बारे में सोचना अच्छा यही मेरी मेंटल बाउंड्री है like, अच्छा. अगर मैं मेरी लाइफ के लोएस्ट मोमेंट के बारे में भी सोचूं शायद दिमाग ने सुसाइड के बारे में सोचा और फिर वो बाउंड्री की वजह से बाउंस बैक हो गया तुमको मम्मी ने गिल्ट डाल दिया <laughs> प्यार डा, डाल दिया अरे नहीं बॉस कंफ्यूज मत करो मैं खुद <laughs> कहता हूँ हमारे इंडिया में प्यार और गिल्ट के बीच में बहुत कम अंतर है हम हमारे बच्चों को गिल्ट पे ही रेज करते हैं प्यार पे कम रेज करते हैं ऐसा करेगा ऐसा करेगी तो देख मेरा मरा हुआ बू पाएगा तू तो कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना लाइफ में इवन इफ इट्स अ लो फेज जहां पी आर अटैक्स हो रहे हैं तो मैं मम्मी के बारे में सोचता हूँ आई डोंट थिंक इट्स यहाँ तो इट्स ग्रेट कंडीशनिंग एक ड्राइविंग फोर्स भी रहा है आ, हर, हर है। इंसान की कहानी हाँ। अलग होती है आपका भी ऐसा कोई नहीं मेरा क्या है ना मैंने ऑलरेडी कहा तुमसे कि मैं लॉन्ग टर्म इतना ऑप्टिमिस्ट हूं कि सुसाइड के यार ये आई टेल यू समथिंग वेरी क्लियरली राइट आपको पता है लाइफ के बाद क्या होने वाला है किसको पता है हाँ लोग घूमते हैं यहाँ वहाँ बाबा बन के कि बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा अगले लाइफ में मिलेंगे वो फेंक रहे हैं राइट नो बड़ी कभी प्रूव नहीं हुआ है कभी कोई नहीं जानता क्या होगा ओनली थिंग दैट यू नो दैट इज रियल वो भी शायद ना हो इज द लाइफ दैट यू हैव सबसे बड़ा तोहफा सबसे बड़ी चीज सबसे बड़ी कमाई आपके पास आपकी जिंदगी है इट इज द डेफिनेशन ऑफ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ स्टूपिडिटी टू टेक इट अवे जो चीज आप सिर्फ एक चीज जानते हो पैसा शोहरत आया राम गया राम है रेलेटिव फ्रेंड्स क्या पता एक्सीडेंट हो जाए सबके सब मरे मे बी दे डोंट लाइक यू एनी मो नथिंग इज वॉर सर्टन दी थिंग आप जानते हो कि ये जिंदगी है बॉस आप उसी को ले लोगे तो उससे बड़ा मुझे लगता नहीं है आई मीन श्योर सम पीपल मेंटल कंडीशन इज लाइक दैट कि दे आर ड्रिवन टू इट तो आई डोंट वॉन्ट टू बी इट दैट वो मैं समझ सकता हूँ डिप्रेशन बहुत खतरनाक चीज़ होती है राइट right? uh, लेकिन यार मेरे जहन में ये बात नहीं आती है बिकॉज लूला लंगड़ा जैसा भी हो जाऊँ मैं कुछ भी हो जाए मुझे इट इज़ बेटर देन नॉट हैविंग अ लाइफ

करने का वो डिसीजन उनके मन ने ही ले लिया लोग हमेशा मैंने कहा कि यू you नो know, बेवकूफ़ी होगी सुसाइड करना राइट बिकॉज इट इज़ दी ओनली थिंग दैट यू न्यू बट साथ साथ में मैं ये भी कहूँगा ये सुसाइड टेक्स अ लॉट ऑफ करेज यार इतनी ताकत नहीं है मेरे में सुसाइड टेक्स अ लॉट ऑफ अरे बॉस लोग yeah, कहते हैं बेवकूफ़ी मतलब इट्स कावर्ड बट आई बिलीव द ऑपोजिट द पीपल हु कमिट्स यू डोंट हैव अ चॉइस उनका कंडीशन ऑफ माइंड ऐसा हो गया है कि उनमें को चॉइस ही नहीं बचा है देखो आप मैंने ये काफ़ी uh, महसूस किया है मे बी यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूडेट सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी पॉडकास्ट इतने लोगों से बातें की है आई एम श्योर यू अंडरस्टूड बट वॉट यू आर इज फंडामेंटली कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल्स इन योर ब्रेन दैट्स हो यू आर राइट अगर वो इम्बैलेंस इस तरह हो जाए दैट यूर ड्रिविन टू सुड आप क्या कर सकते हो नथिंग तो आई डोंट थिंक पीपल कमिट सुड आई थिंक सुसाइड समहाउ फाइंड अगर आपको ये के लिए अच्छा लगा ऐसे ही हजार क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ